हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर देखो हमारे, मैं तो बच्चे को 24 घंटे संभालती हूँ और इनसे दुकान की मम्मी और इनसे एक घंटे ही बच्चे को नहीं संभाला जाता है। मैं 2 घंटे संभालती हूँ, 24 घंटे, और इनको 1.5 घंटा या मैं दुकान लेके आती हूँ शाम को कितने बजे, 6:30 बजे या 7 बजे। तो यहाँ पर मैं रुकती हूँ 1 घंटा या 1.5 घंटा। तो इनसे 1 घंटे में भी बच्चा नहीं संभाला जाता है, और वो बिखेरा कर रहा है उधर। मैं दिखाती हूँ आपको, एक सेकंड देखो। तुषान को, तुषान काम कर रहा है। तुषान क्या कर रहा है बेटा? काम कर रहा है। हाँ, ये हमारे दुकान में काम कर रहा है। सुसु कर लिया? पापा से पोछा लगवाया क्या? हाँ, आधा घंटा और घंटे के लिए मैं इसको डायपर नहीं पहनाती। तो हाँ, हम कौन से टॉपिक पे थे? मैं ये कह रही थी, जब मैं दुकान आती हूँ, जैसे 6:30 बजे या 7 बजे मैं दुकान आती हूँ, तो उसके बाद मैं जाती हूँ 8:30 बजे या 8 बजे, तो इनसे 1 घंटे ही बच्चे को नहीं संभाला जाता। इसलिए मैं ब्लॉगिंग आज दुकान में स्टार्ट कर रही हूँ, इनको ताना मारने के लिए, ठीक है? और मुझे हंसी भी बहुत आ रही है। और जो भी रिश्तेदार देखेंगे, देख लेना, मैं 24 घंटे संभालती हूँ। 24 घंटे में 1 घंटा इनका, 23 घंटे मैं संभालती हूँ बच्चे को। तो क्या कहना चाहोगे? धन्यवाद नहीं कहोगे मुझे? धन्यवाद है यार, मैं तो 1 घंटे में पूरा परेशान हो जाता सुन लिया आप लोगों ने, 1 घंटे में ही परेशान हो जाते हैं। तो बस मेरे को धन्यवाद बोल दिया है, कोई नहीं, ब्लॉगिंग देख के, ब्लॉग स्टार्ट है तो कैमरा देख के धन्यवाद बोल ही दिया है। और तुषान कर रहा है बिखेरा, और मैं जाऊंगी 8:30 बजे घर पे, और फिर मैं खाना बनाऊंगी। जाते ही खाना बनाऊंगी, खाना बना के फिर हम 9:30 या 10 हमारी दुकान से ये आ जाते हैं, और फिर हम खाना खाते हैं साथ में, और फिर बर्तन वगैरह धो के जो भी किचन का काम है वो निपटा के फिर वही टीवी देखो, मोबाइल देखो, फिर सो जाते हैं। सबका यही काम है ना, आप लोगों का भी यही होगा, और क्या। और फैमिली में हम छोटी फैमिली है तो किसके पास बैठे क्या बातें करें, करें तो दोनों कर लेते हैं, जितनी बातें हैं उतना पेट भर लेते हैं तो वही है। चलो, बातें बहुत हो गई हैं, अभी घर जाऊंगी तो उसका व्लॉग, मैं घर जाके व्लॉग स्टार्ट करूंगी पूरा, और तुषान की बदमाशी स्टार्ट हो गई है, ठीक है? तो गाइस, फिर मेरे को है ना पार्सल दिख गया, कि सारे पार्सल मेरे शॉप पे ही आते हैं, मैंने उधर का ही एड्रेस दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे नीचे ले जाने में या प्रॉब्लम होती है घर पे, तो फिर मैं दुकान का ही एड्रेस दिया हुआ है। तो मैंने क्या मंगवाया पार्सल में, गुड वाइब्स का रोज हेप फेस सीरम मंगवाया था मैंने, जो फर्स्ट बार मैं ट्राई कर रही हूँ। इसका अगर अच्छा रिजल्ट रहा तो मैं आपको बताऊँगी कि हाँ अच्छा है। मैंने काफ़ी देखा है, हर कोई इसको यूज़ कर रहा है, और इसके काफ़ी रिव्यू भी बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं। ऐसा नहीं है मैं गुड वाइब्स के प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती, मैं काफ़ी क्रीम वगैरह यूज़ करती हूँ, ये मैं फर्स्ट बार कर रही हूँ इसलिए, और फर्स्ट बार मैं ट्राई कर रही हूँ, तो फिर मैं इसका एक बार इसको पूरा यूज़ करके फिर ही मैं आपको बता सकती हूँ कि ये कैसा है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं लगा के देख रही हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा है, तो लग ही रहा है कि हाँ चलो लगाया है तो लग रहा है थोड़ा बहुत, तो एकदम ही कोई एक दिन ही इसका कुछ पता नहीं चलता है, लगाने के बाद थोड़ा वही देख रही थी मैं, तो यहाँ पर इसको बेस्ट बता रही थी, क्योंकि लगाने के बाद थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। बाकी का जो काम था वो भी मैंने कर दिया है, किचन का आपको पता ही है कितना काम रहता है, वो भी मैंने कर दिया है, और खाना भी बना दिया है। तो खाने में मैंने बनाए हैं दाल चावल, मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर मैंने ये चावल बनाया है और ये दाल बनाई है मैंने, जो बन गई है, तूरी दाल,
और यहाँ पर चावल। गाइस आपने देखा मैंने आज दाल चावल बनाए हैं, और दाल चावल इसलिए बनाए कि हमने शाम को नाश्ता कर लिया था, दाबेली खा ली थी तो वही खाई हुई, तो इतनी भूख नहीं थी तो मैंने आज दाल चावल ही बनाए। कल मैंने पराठे बनाए थे तब वीडियो शूट नहीं किया था, और आज मैंने दाल चावल बनाए तो उसका मैंने आपको दिखा दिया। और एक जो आपने आगे पता नहीं आपने वीडियो देखा होगा नहीं देखा होगा, उसमें मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट ब्लॉग में ये वाला लेके आऊँगी नाइट के खाना का, नहीं तो ब्लॉग क्या है बड़ा बन जाता है ना, तो इसीलिए तो मैंने आज शाम का ब्लॉग लेके आई हूँ आपके लिए इसी का। तो गाइस अभी आ गए हैं शॉप से और अभी हम खाना खाएंगे, 9:30 बज गए हैं और अभी हम खाना खाएंगे दाल चावल। नहीं तुशान नहीं। तो गाइस जी मैंने ले लिए हैं दाल चावल और अभी मैं खाना खा रही हूँ। तो गाइस खाना खा लिया और अभी मैं एक पार्सल आया हुआ था उसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। जो मैंने मीशो से कुछ ऑर्डर किया था वो आया है, तो मैं बता देती हूँ। मैंने एक टॉप ऑर्डर किया था जो शॉर्ट कुर्ती मान लो वही ऑर्डर किया था, और इस डिज़ाइन में मतलब आजकल बहुत ज़्यादा ही चल रहे हैं, इस डिज़ाइन में सूट भी मिल रहे हैं और आप देखोगे आपको खुद पता चल जाएगा। ये काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, चाहे टॉप चाहे कुर्ती चाहे सूट चाहे, तो मैंने लोवर पे ही पहन लिया तो आपको दिखा रही हूँ। इस पर वाइट पट्टी की लेस लगी हुई है नीचे और मिरर वर्क है डिज़ाइन में, तो देख लो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर मैं नाइट के बर्तन धोने आई हूँ, तो आप देख लो कि मैं बर्तन धो रही हूँ यहाँ पर। पहले मैंने पार्सल की अनबॉक्सिंग कर दी थी और अभी मैं बर्तन धो रही हूँ। गाइस मैंने बर्तन धो दिए हैं सारे के सारे और यहाँ पर दूध गर्म हो रहा है तुशांत के पीने के लिए, वो रात को पीता है दूध। और यहाँ पर मैंने सारा स्टैंड वगैरह सब साफ कर दिया है ताकि मॉर्निंग में उठेंगे तो चाय, मैं रात को ये साफ करके ही सोती हूँ सब। यहाँ बर्तन धो दिए हैं और अभी हमारा काम कंप्लीट हो गया है और दूध गर्म हो रहा है, दूध को थोड़ा मीडियम फ्लेम पे कर देते हैं। तो गाइस सारा काम हो गया है और मैंने ये गुड वाइब्स की क्रीम नाइट में मैं लगाती हूँ, जो D10 ग्लो क्रीम है, नाइट क्रीम है ये मैं रात को रोज़ लगा के, ऐसे नहीं कि लगा के तुरंत सो जाती हूँ, नहीं, ये आपको आधा घंटा पहले या एक घंटा पहले आपको लगानी है ताकि स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाए अच्छे से, नहीं तो आपके पीलों पे लग जाएगी सारी की सारी क्रीम, फिर कोई काम की नहीं है, तो इसलिए। और अभी हमारा सीरियल चल रहा है वही देख रही हूँ और बाद में सोएंगे, इतना जल्दी नहीं सोएंगे, 10:30 बजी हैं और मेरा काम हो गया है
और अभी हम 10:30 ही बजी है ना, एक मिनट, हाँ 10:30 बजी है और हमारा काम हो गया है। आज मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई कि 10:30 बजी है, 11 बजी है, तो इसीलिए। तो आप ये क्रीम लगा सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, बहुत अच्छा। और जो लगाता हो वो कमेंट करके भी बताना कि कैसा रिजल्ट है इसका, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। ये तो ख़त्म होने को आई है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, एक मिनट। ये देखो गाइस, अब बस ख़त्म होने वाली है ये। ये मैंने पल से ली है। तुषांत फोन क्यों कर रहा है बेटा, कट कर। तुषांत अपने पापा के मोबाइल से मुझे फोन कर रहा था, बीच में मैंने सोचा घर पे ही है, फोन क्यों कर रहे हैं। तो इसके पास मोबाइल देखा ना, मेरे को दे दो, मेरे को दे दो। तो ठीक है, अभी हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और मेरे चैनल को, अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, मिलते हैं। अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करो और लाइक करो और कमेंट करो, ठीक है। और वीडियो कैसा बना प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सभी को गुड नाइट।